भरत जी अयोध्या में कह रहे थे कि मैं केकई को मां नहीं मानता। बोलो भाई, कहा उन्होंने कि नहीं कहा? मैं मां नहीं मानता हूं। अब भरत जी कह रहे हैं इस बात को, मैं मां नहीं मानता हूं, लेकिन केकई मां है। बोलो, है मां कि नहीं? लेकिन भरत जी कह रहे हैं मैं मां नहीं मानता हूं और मैं मां कहूंगा नहीं, आज के बाद मैं केकई को मां नहीं कहूंगा। अब बोलो, देश काल परिस्थिति का बयान है कि नहीं ये भरत का? बोलो, किसका बयान है ये? देश काल परिस्थिति का बयान। जो पे कुरुचि रही जन्मत काहे न मारी सिमोही, पेड़ काटते पलव सींचा, मीन जियत नित बार उलीचा, के कई कत जन्मी जग माझा। भरत जी ने कहा, पहली बात तो यह है कि तेरा जन्म नहीं होना चाहिए था, और जन्म यदि हो ही गया था तो तुझे बांझ होना चाहिए था, मेरा जन्म तेरे उधर से नहीं होना चाहिए था, तू मेरे जन्म की माध्यम बन गई है, ये मेरे लिए अफसोस की बात है। ये भरत जी कह रहे हैं। बोलो, देश काल परिस्थिति का बयान है ये कि नहीं? भरत जैसा आदर्शवादी बेटा, भरत जी जैसे आदर्शवादी दुनिया में कोई नहीं है प्यारे। जितना आदर्श का निर्वाह भरत ने किया है उतना राम जी ने भी नहीं कर पाया, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई भरत जी के सामने कि उनको बोलना पड़ा। गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा है, भरत जी कह रहे हैं अंबा केकई खड़ी है, और भरत जी ने तय शब्द का प्रयोग किया है केकई के लिए। तय, ये तय में शब्द अच्छे नहीं माने जाते, और खास तौर से बेटा मां बाप के लिए तो तय में कह ही नहीं सकता है। लेकिन गीतावली में लिखा है, भरत जी कह रहे हैं काहे ते ऐसे बचन कहे दी, गीतावली, काहे ते ऐसे बचन कहे दी, राम जाहु कानन कठोर बन, कैसो हृदय काहे तने से बचन कहे री। तेरा हृदय कठोर है, इस प्रकार के वचन तूने क्यों कहे कि राम तुम बन जाओ, राम बन जाओ, बन जाओ। तेरा हृदय कठोर है, इसलिए तेरे कठोर हृदय को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और तेरी जवान गल जानी चाहिए थी, जिस समय तूने बर मांगा था उस समय तेरी जवान गल जानी चाहिए थी, और तेरे मुंह में कीड़ा पड़ जाने चाहिए थे। बर मांगत मन भई न पिया, भई न पिया, पर मांगत मन भई
तेरी न पीरा बरमा मन भई न पीरा करी न जी है मुख पर उन कीरा करी न जीव पर न पीरा जीव मुहि परे उन कीरा गरिन जीव मुहि परे न कीरा पर मांगत मई नहीं पीरा पर मांगत मई न पीरा गरिन जी है मुख परे कीड़ा। तेरे मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गई, तेरी जवान गल क्यों नहीं गई और तू मर क्यों नहीं, तुझे मर जाना चाहिए था, जिंदा नहीं रहना चाहिए था। बोलो कौन बोल रहे हैं? ये भरत जी। लेकिन देश काल परिस्थिति पर हमें विचार करना चाहिए। भरत ने धैर्य खो दिया है, अधीर हो गए हैं, वो अति व्यथित हो गए हैं। इसलिए अति व्यथित होने के कारण सामान्य शिष्टाचार भूल गए हैं। जब व्यक्ति अति व्यथित हो जाता है तो सामान्य शिष्टाचार का निर्वहन नहीं कर पाता है। तो ये कंडीशन, ये अति व्यथित अवस्था का बयान है। वो आनंद रामायण में अति भावुक होने वाला बयान है। आनंद रामायण के भाष्यकार ने जो लिखा है कि भरत और शत्रुघ्न केकई मां के पुत्र हैं, ये अति भावुक हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अति भावुक हो गए। और उन्होंने एक बात आपको बतावें, उन्होंने, मैं उनका स्वागत इसलिए कर रहा हूं आनंद रामायण के वास्कार का, क्योंकि उन्होंने सगे और सौतेले का भेद समाप्त कर दिया। क्यों भाई? ये भी माना जाएगा ना, सगे और सौतेले का भेद समाप्त कर दिया है। बोलो कर दिया कि नहीं? और दूसरा भाव ये है इसमें, क्या कि वस्तुतः कौशल्या हो चाहे केकई हो चाहे सुमित्रा जी हो, इन्होंने जन्म नहीं दिया है, ये तो केवल माध्यम है। ये चारों भाई यज्ञ के प्रसाद से हुए हैं, खीर से हुए हैं। बोलो भाई किससे हुए हैं चारों भाई? जल्दी बोलो। ये हुए हैं खीर से। तो बोलो भाई चारों को जन्म देने वाला द्रव्य एक ही है कि उसमें भेद है? जल्दी बोलो। चारों को जन्म देने वाला जो द्रव्य है, प्रसाद है, वो एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। ना समय का भेद है और ना द्रव्य का भेद है। जन्मे एक संग सब भाई। इसलिए इस नाते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बोलो खीर के प्रसाद के नाते, बोलो चारों सगे भाई हैं कि नहीं है? जल्दी बोलो। बोलो हैं चारों सगे कि नहीं? ये चारों सगे हैं क्योंकि इनका संबंध सांसारिकता से नहीं है, इनका संबंध यज्ञ से है।